हाल ही में बांग्लादेश में हालत गंभीर रूप से बिगड़ गई, जिसके चलते देश में तख्ता पलट हुआ और प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि अब हालत काबू में है और अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है, जिसकी कमान नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस संभाल रहे हैं। उनके कैबिनेट में 16 मंत्री शामिल किए गए हैं। बांग्लादेश में बिगड़ती हालत के कारण वहां के नागरिक भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। यह स्थिति पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय और यहां तक कि उत्तराखंड के सीमावर्ती इलाकों में भी देखी जा रही है। भारत के स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले सीमा सुरक्षा को और कड़ा किया गया है, लेकिन घुसपैठ की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल ने बताया कि हाल ही में 11 बांग्लादेशी नागरिकों को पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय की सीमाओं पर घुसपैठ करते पकड़ा गया है। बीएसएफ ने इस घुसपैठियों से पूछताछ के बाद उन्हें आगे की जांच के लिए पुलिस के हवाले कर दिया है। इसके साथ ही उत्तराखंड के रुड़की शहर से भी एक अवैध बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ा गया है। उसकी पहचान रहीमुल के रूप में हुई है, जो बांग्लादेश के खुलना जिले का निवासी है। रहीमुल ने बताया कि वह भारत में अवैध रूप से प्रवेश कर पैसे कमाने के इरादे से आया था और उसे रुड़की के जंडेरा इलाके से संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार किया गया। बीएसएफ ने यह भी जानकारी दी है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर पूर्वी कमान के एडीजी की अध्यक्षता में कोलकाता स्थित बीएसएफ कार्यालय में एक परिचालन सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा को और सख्त करने और बांग्लादेश की सेना बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के साथ सहयोग जारी रखने पर विचार किया गया। साथ ही सुरक्षा बल और पुलिस के बीच समन्वय बढ़ाने पर भी जोर दिया गया, ताकि घुसपैठ के मामले को नियंत्रित किया जा सके। यह घटनाएं बताती हैं कि भारत की सीमाएं कितनी संवेदनशील हैं और कैसे इनकी सुरक्षा को और मजबूत करने की जरूरत है।